तो गाइस सर्वाइवर सीट 2018 काफी मस्त पेपर भी था, लेकिन इसमें इतने बॉचेस थे जो कि आपने शायद नोटिस नहीं किए होंगे। कुछ आपने नोटिस किया होगा लेकिन कुछ नहीं किया होगा, तो मतलब इस वीडियो में हम तीन ही बॉच के बारे में बात करने वाले हैं। अगर सारे बॉचेस को इंक्लूड करूंगा तो ये वीडियो भी सर्वाइवर सीट की तरह ही लंबी और लेंदी हो जाएगी। तो ज्यादा कुछ नहीं है इस वीडियो में, तीन बॉचेस हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखो बिल्कुल लास्ट तक, कर दो इस वीडियो को लाइक, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है तो वहां पर जाकर फॉलो भी जरूर कर लेना। तो वेट किस बात का, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहला मैच दो में देखने को मिलता है वो था मेंस बैटल रॉयल किक ऑफ शो में। अब यहां पे बॉच हमें देखने को मिलता है जो कि काफी बेकार चीज है। अगर आपने ये मैच मिस कर दिया किक ऑफ शो का तो आपको बिल्कुल भी मतलब यहां पे कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस मैच में एक दो नहीं बल्कि कई सारे बॉच हमें देखने को मिले। अब इस मैच के दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ सुपरस्टार खुद ही अपने आप को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कई सुपरस्टार के मूव ही सही से नहीं लग पा रहे थे। मतलब कई सुपरस्टार ट्राई कर रहे थे कि मैं अपना मूव दांव पेच लगा पाऊं, लेकिन वो मूव सही से लग ही नहीं पा रहे थे। एक के बाद करके इस मुकाबले के केवल गलतियां ही हमें देखने को मिली। तो मतलब ये मुकाबला था, इसमें काफी सारे बॉचेस देखने को मिले। अगर आपको मतलब देखनी है ऐसी कुछ वीडियो तो आपको कई सारी हाइलाइट्स मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है ये NXT का जो मैच था, NXT वर्सेस रॉ वर्सेस स्मैकडाउन का वुमेंस मैच 15 वुमेंस का। इसमें एक बॉच हमें देखने को मिलता है जहाँ पे कि अब डैना ब्रूक जो है वो यहाँ पे ट्राई करती स्कूल बॉय रोल अप लगाने का, जहाँ पे वो उनसे ढंग से नहीं लग पाता है और वो देखने में काफी ज्यादा खराब लगता है। वहाँ की ऑडियंस भी काफी ज्यादा फनी इस चीज को समझ बैठी, हालांकि ये चीज मतलब उतना ज्यादा नोटिस तो नहीं किया गया, लेकिन ये चीज काफी फनी थी और काफी बेकार भी देखने में लगा। उसके बाद काफी सिर्फ डैना ब्रूक ने यहाँ पे गलती नहीं की, काफी सारी रेसलर्स ने यहाँ पे गलती की, जैसे कि एक्सपीरियंस रेसलर्स ने भी गलती की, साशा बैंक्स, शार्लेट फ्लेयर ने। लेकिन गाइस अब जो एक रेसलर थी उन्होंने गलतियां काफी ज्यादा कम की, वो है रिया रिपली। मतलब इन्होंने गलतियां मतलब एक तरह से की ही नहीं, मतलब रिया रिपली एज ए वेरी प्रोफेशनल रेसलर इस मैच में वर्क की। गाइस तीसरा और फाइनल बॉच जो है वो है रेफरी का 3 काउंट, यानी कि शायद आपको याद होगा अगर आपने सर्वाइवर सीरीज देखा होगा तो रोमन रीन्स और कीथ ली के बीच में जब यहाँ पे फेस टू फेस हो रहा था, मतलब फेस टू फेस का मतलब जब सिंगल्स ब्रॉल हो रहा था फाइनली, जब NXT की तरफ से एक लौते बच चुके थे कीथ ली और स्मैकडाउन की तरफ से रोमन रीन्स बच चुके थे, तब वहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक बॉच जब रोमन रीन्स आके लगा देते हैं कीथ ली को सुपरमैन पंच। इससे पहले क्या होता है कीथ ली थोड़े भारी पड़ने लगते हैं रोमन रीन्स पे और उसके बाद वो रोमन रीन्स को काफी ज्यादा मतलब ऐसे पीट देते हैं, हमें लगता है वहां पे कि मतलब रोमन रीन्स हार जाएंगे और कीथ ली बन जाएंगे सर्वाइवर सीरीज 2018 में NXT के लिए सोल सर्वाइवर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, रोमन रीन्स फटाफट से 2 सुपरमैन पंच लगाते हैं जिसके बाद कीथ ली गिर जाते हैं मैट पर और उसके बाद पिन होता है, जहां पे कि 1 होता है 2 काउंट होता है और उसके बाद 3 काउंट भी रेफरी कर देते हैं। मैट पर उनके हाथ जाने की आवाज भी आती है लेकिन उस टाइम उस मैच को एंड नहीं किया जाता है, यानी कि ऑफ स्क्रिप्ट चल गए वो रेफरी थोड़ा सा यहाँ पे काउंटिंग में या फिर जो सेकंड्स थे वहाँ पे सेकंड मिली सेकंड का गड़बड़ हो गया होगा। तो ये काफी ह्यूज बॉच था जहाँ पे कि कोरी ग्रेव्स ने भी बोला कि मुझे एक डिफरेंट एंगल चाहिए, लेकिन उन्हें प्रॉपर एंगल नहीं दिया गया जिस एंगल में मतलब सारी चीज क्लियर होती, तो वो एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिवील ही नहीं किया। तो ये थे 3 बॉचेस जो कि सर्वाइवर सीरीज में काफी ज्यादा फनी भी थे और काफी बेकार भी बना सर्वाइवर सीरीज को। तो ये 3 बॉचेस थे और होकर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करना कि कौन से बॉचेस आपको मतलब पता थे कि ऐसे हुए और आपने नोटिस किया। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है तो वहाँ जाके फॉलो करना, कोई भी वीडियो आती है तो उससे पहले मैं स्टोरी टैब में वहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सी वीडियो आने वाली है, कितनी एक्साइटेड होगी और कितने बजे आने वाली होगी। तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लो डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है लाइक किए बिना कहीं में जाना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और आने वाली नई और वेरी फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में।